हाय दोस्तों, मैं हूँ कला। हैप्पी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत आसान तरीके का सूप, जिसे वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो भी चीजें हैं उसके साथ बना सकते हैं। आगे हफ्तों में मैं आपको और भी सूप रेसिपीज देने वाली हूँ, सो इसको देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि आपको और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आपके फीडबैक मुझे जरूर भेजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में ले लीजिए 1 चम्मच तेल, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ और 1 चम्मच अदरक ले लेंगे कद्दूकस करके, और इसको 1 मिनट तक चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची, इसके बजाय आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं बारीक कटा हुआ। इसके बाद हम इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। मैं इधर ले रही हूँ प्याज, गाजर और बीन्स बारीक कटा हुआ। इसको 1 और 2 मिनट चला लीजिए। दो मिनट चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 बड़े कप पानी, उसको अच्छे से मिला लीजिए और हाई फ्लेम पे 10 मिनट पकने दीजिए। देखिए हमारे सूप में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच पेपर पाउडर, कटी हुई हरी धनिया भी ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं हमारे घर में बनाई हुई होम मेड फ्रेश क्रीम। अगर आपको इसकी विधि जाननी हो तो मेरे पुराने वीडियोस आप रेफ़र कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आ गया है। इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इसमें डालेंगे हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट, जो है 4 टेबलस्पून लेमन जूस, जो वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद होता है। लीजिए हमारी स्वादिष्ट, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस सूप बनकर तैयार है। प्लीज़ इसको बनाइए और आपके फीडबैक शेयर कीजिए।